कभी सोचा नहीं था यहाँ आ जाएंगे। धूप काफी तेज है। वो कितनी मुल्तानी मिट्टी खरीदते हैं यहाँ से ले जाओ को, ये पूरा पानी फ्रीज हो जाता है जनवरी दिसंबर फैब में। हेलो व्हाट्सएप, कैसे हो आप सब बता दो फटाफट। इसमें तुम दिखा कुछ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है सात व्लॉग्स फ्रॉम यहाँ। इतना हम लद्दाख में, लद्दाख में ये देखो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह लद्दाख। इतनी सारी चीजें जानने को मिली यहाँ के बारे में कि देयर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से आप नहीं रहोगे आपको दिक्कत हो सकती है। बेसिकली कि आपको यहाँ पे पानी पीते रहना है कंटिन्यू। एंड आप देखो मेरी आईज कैसे हो गई है, मतलब एक ही दिन में चेहरा एकदम अलग हो गया। सो हमने लिया है यहाँ पे 30 डेज चैलेंज और आज है चैलेंज का पहला डे। वैसे अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, हो सकता है आज इंट्रोडक्शन, हो सकता है मैं आज पहले क्लास ले लूँ, हो सकता है बच्चों को सिखाना आज से शुरू करना, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बने रहो यार मौसम में। लेह लद्दाख में क्लास ले रहे, सामने का व्यू देखो आप, मॉर्निंग के सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। तो एज यूजुअल आज का पहला दिन है और पहले दिन में मुझे भी किसी से बातचीत तो मेरी की नहीं, बस यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड बने हैं जो कि यहाँ के कंप्यूटर के सर हैं, सो अखिल सर, एंड और भी हैं विजय भैया और सबसे मिलाऊंगा मैं बंटी भाई, एंड वन इज नवीन सर। इन चार लोग से मेरी थोड़ी सी बोल चाल हो गई है और फादर से हुई है, तो मिलवाएंगे आपसे सबको। देखो यार हम यहाँ पे काम करने आए हैं और काम करने जब आते हो तो आप कोई भी चीज़ ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज आप ऐसी जगह पे हो कि ज़्यादा आप डिमांड कर भी नहीं सकते। मतलब देख रहे हो आप सामने, देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। हमें अपना एक्सपीरियंस एक अच्छा लेके जाना है, कुछ अच्छी मेमोरीज लेके जानी और शो अच्छा करा के जाना है। बाकी बने रहो व्लॉग में, चलते हैं आगे ब्रेकफास्ट करेंगे, बाकी जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा तो सारे व्लॉग पे। ठीक है ओके, सो अभी मैं आ गया हूँ नीचे और नीचे अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह यहाँ पर, भाई मेरे लिए तो कहीं भी ज़रूरी होता है क्योंकि अपना पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक जाता है, तो अगर ब्रेकफास्ट तगड़ा नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं रहती है। और आप सोच रहे हो कि इतनी ठंड में भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ठंड है यहाँ पे, और है मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बट ठीक है, मतलब है मौसम सही है अकॉर्डिंग टू दिल्ली और लखनऊ वाराणसी से तो बहुत ही सही है, पर यहाँ पे धूप जो है वो बहुत कड़क है। इतना पास है धूप यहाँ पे, ये देखो ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चारों तरफ। ये कैंपस है, सामने स्कूल है, उधर हम लेंगे रिहर्सल और वहाँ पर है पर्वत जिसके ऊपर स्नोफॉल हुआ है। भाई कभी सोचा नहीं था यहाँ आ जाएंगे, पर अगर आ ही गए हैं तो फिर मचाते हैं। तो पेश हमारा ब्रेकफास्ट, हमारे सामने आ गया गरम गरम पराठे। पहाड़ों में ना गरम गरम पराठे और सब्जी की बात ही अलग होती है। मैगी भी बहुत मस्त है, चाय तो है ही है फेवरेट। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है, क्या है आगे का शेड्यूल वो बने रहो, देखने को मिलेगा आपको SSR ब्लॉग। सो अभी जस्ट मेरी मीटिंग खत्म हुई है, फादर के साथ मैं मीटिंग कर रहा था कि कैसे क्या क्या शो को कराने हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करनी है, एंड अगर यहाँ पे इनका सिल्वर जुबली है तो उससे रिलेटेड कुछ कराना है। सो बेसिकली इनके 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे लद्दाख में, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यहाँ पर करेंगे हम लोग सिल्वर जुबली। और यार यहाँ का मौसम ना हर घंटे चेंज होता है, मतलब जब मैं सुबह था मैंने आपको दिखाया था अपने विंडो व्यू, अभी देखो मेरा विंडो व्यू कैसा है। अभी अभी कॉल आया है मुझे ऑफिस से कि चलते हैं कहीं घूमने थोड़ा सा बाहर, ऐसे ही एक डेढ़ घंटे के नियर बाई में जो भी जगह होगी। तो भाई मैं इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था कि मतलब थोड़ा सा निकले बाहर, एंड लेट्स गो। चलिए, धूप काफ़ी तेज है जैसा कि मेरी परछाई में आप देख रहे हो, फूल एकदम एक एक डिटेल में दिख रहा है। हेलो नवीन सर जी, कैसे हो आप? ठीक है। और इसके अंदर हमारी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी पहाड़ों वाली, इसी से जाएंगे हम, इसी से जी। इतनी महंगी गाड़ी है ये पहाड़ों की, राजा है ये पहाड़ों का राजा। हेलो अखिल सर। यस, हाउ आर यू? फाइन, वेरी फाइन। यस, सो ये हमारे चार पांच लोग हैं जिनके साथ आज हम जाने वाले हैं ट्रिप पे छोटे से। यस, झूले 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 झूले। अंदर बैठने की भी जगह थी पर हम बैठे हैं फुल बाहर, वाइब और एडवेंचर दोनों बाहर ही होता है, घर में नहीं। झूले झूले झूले।
बाकी है, अंदर भी लोग है। अलग ही व्यू है, धूप आ रहा है, थोड़ा सा फेस काले होने का डर है, लेकिन ठीक है, व्यू के लिए चलता है। तो अभी आगे चले, फुल एडवेंचर है भाई साहब। आप लोग बस व्यू देखिए, ठीक है, सारे पैसे इसी के लगे हैं, व्यूज के पैसे हैं सिर्फ। जिधर नजर उठा रहे हैं उधर ही एक अलग व्यू, मोनेस्ट्रीज, हर पहाड़ अलग डिजाइन के, उधर का पहाड़ की मिट्टी अलग, इधर देखो कितना फ्लैट पहाड़ है, ये वाला देखो। स्टॉक विलेज जो कि लद्दाख के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस में से एक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो कि 71 फीट में बनी हुई है और जिसे 2012 से 2015 के बीच में बनाया गया था। और सच्ची बताऊं तो यहाँ आने के बाद कुछ अलग सी पॉजिटिवनेस और रिलैक्स जैसा कुछ फील होता है। हमने के स्टॉप लिया यहाँ पे, स्टॉप किस लिए लिए हैं? ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं क्या? कोल्ड ड्रिंक लेने का स्टॉप। ये नाले का पानी है, ऊपर से कहीं से आ रहा है? ग्लेशियर का पानी है, ग्लेशियर, क्या बात है। हमारे दो नए दोस्त, छोटा बड़ा, क्या नाम है? विमल विनी, दोनों भाई हो ना? राइट नाउ हम लद्दाख में, और लद्दाख में ये देखो आप हमें क्या मिला है पेड़ पे, एक लेटर बॉक्स, कुछ है नहीं, सिर्फ पत्थर डले हुए, बट है बहुत ऑथेंटिक। चलो अभी आगे चलने की बारी, हम लोग यहाँ चल रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, माउंटेन ड्यू वगैरह ले लिया गया है, डर के आगे जीत है भाई। हमने थोड़ी ऑफ रोडिंग कर ली है, लद्दाख है और ऑफ रोडिंग ना करें ऐसा हो नहीं सकता। बस भाई हमारी आ गई, एक स्टॉप आ गया है, स्टॉप वन। कितना प्यारा सुंदर सा व्यू लग रहा है ना पीछे, इसी बात पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दो। तो चले अभी हम लोग ऊपर मूर्ति देखने, मुल्तानी मिट्टी, ये पर चेहरे पे लगाने वाली मुल्तानी मिट्टी है, ए बी मतलब ये बी। लोग इतनी मुल्तानी मिट्टी खरीदते हैं, यहाँ से ले जाओ फ्री में, ले लूंगा अगले दिन चेहरे पे काले हो जाओगे लद्दाख में, तो ये लगा लगा गोरे हो जाना थोड़ा सा धूप से। नीचे से देखते हैं तो कैसा लगता है, जब ऊपर से देख रहे हैं तो पूरा का पूरा अलग ही लग रहा है यार, ऐसे व्यूज में कौन नहीं आना चाहेगा। हम यहाँ से चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, यहाँ थोड़ा सा व्यू देख लिया, मज़ा ले लिया, अभी भी यार नज़र नहीं हट रहे हैं सुंदर से व्यूज पे, मतलब क्या करें, करे तो करे क्या, मन कर रहा है यहीं रह जाए, टेंट लगा दे। अच्छा लग रहा है, मतलब यार एज अ आर्टिस्ट आओ काम करो और लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आर्ट के लिए थैंक यू। हर हमारे ले में बुरा झूल रहे कार के ऊपर ऑफ रोडिंग करते हुए लगातार ब्लॉग भाई, हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ पे नेटवर्क का एन भी नहीं है, मतलब एक है वो भी ना के बराबर, कुछ होता नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है 6:37 और दिन कुछ ऐसे है, ये पूरा जम जाता है उस साइड, अच्छा वो ओके ओके, अच्छा हाँ वो ग्लेशियर दिख रहा है वहाँ से आता है और आगे जो पानी है पूरा जम जाता है। कब? जनवरी दिसंबर, दिसंबर जनवरी फेब, अभी भी ठंडा है, मतलब कि जब ठंड पड़ती होगी तो क्या जम तो जाता ही है वैसे भी, थोड़ा काला आ रहा है लेकिन अभी ऊपर से आ रहा है इसलिए ऐसा, इसमें कुछ तो पार्टिकल्स मिक्स मिल रहे हैं पर है बहुत ठंडा। इससे एक बार अगर हाथ मुंह धुल लेंगे तो एकदम इंसान वो क्या कहते हैं उसको आइस थेरेपी ले लेगा। रेस्टोरेंट मित्र कैफे, बंद हो गया कैफे,
ये वाला जो आप रिवर देख रहे हो जो आ रही है, ये पानी ये ग्लेशियर का पानी है जो वहाँ से आ रहा है पीछे से। देखो ये पूरा पानी फ्रीज हो जाता है जनवरी दिसंबर फेब में, इस पे आप आके चल सकते हो, इतना बढ़िया माहौल हो जाता है। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए ठंड झेलने की। लो भाई इसी की कमी थी, ब्लॉगर्स बाइकर्स। ये देखो जी यहाँ से पूरा ले शहर दिख रहा है, कितना छोटा सा लग रहा है, कितना छोटा सा, मतलब इतने बड़े पहाड़ है कि इतने छोटे छोटे। वाओ क्या रोड है। हम ऑफ रोडिंग में गोप्रो की स्टेबलाइजेशन चेक कर रहे थे, आपने देखा कितना कम हिल रहा था, लेकिन हमें पता है कि हम बहुत हिल रहे थे। और हम लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, शायद सनसेट देखने ही जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, फादर को पता है और बंटी भाई को भी पता है, तो देखते हैं आगे जैसा भी होगा। आज पहले नहीं दूसरे दिन ही हम लेह लद्दाख में सनसेट देख लेंगे। बेस्ट व्लॉग अभी तक में। जाना है अंदर, जाना है जाना है जल्दी, रुकवा दो, दर्द हो रहा है क्या? चलिए अभी ऑफ रेडिंग खत्म, थोड़ी देर अभी फिर आएगा, अभी फिर आएगा, फिर आ रहा है। रशियन मेरिनो शीप फार्म। सो भाई साहब मजा आ रहा है। हाँ भाई ये पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी, बहुत तकड़ा ऑफ रोडिंग हो रहा है। ये तो बाइक पे करने का शौक था, कैंपा पे कर रहे हैं। तो हम यहाँ रुके हुए हैं एक प्यारे से स्पॉट के लिए, देखो कितना सही है, दोनों तरफ ट्रीज एंड ट्रीज, मतलब दोनों तरफ हरियाली और बीच में सड़क, मतलब जैसा पिक्चरों में शूट होता है। देखो इधर से ज़्यादा अच्छा रहा, इधर से सनलाइट आ रही है फेस पे, तो कितना सही लग रहा है, मतलब व्यू देखो। ये ऊपर एक माथुर पैलेस, ऊपर मॉनेस्ट्री भी है, काफ़ी मॉनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे, एक दिन हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। आज इतना ही है, एक जगह और जाएंगे, बाकी ये देख लो आप। बता दूं कि जो अभी आपने पीछे एक पुल देखा और पुल के ऊपर बहुत सारे फ्लैग लगे हुए थे, उसके नीचे जो रिवर बह रही थी वो थी इंडस रिवर। इंडस रिवर बहुत ही फेमस रिवर है यहाँ पे, जिसके बगल में पूरा लेह लद्दाख है। और वन एक और रिवर है जो है ज़ंस्कार रिवर, बट वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उसका अभी तो कुछ नहीं। बाकी लद्दाख में जितनी भी जगह है वो हम ज़रूर कवर करेंगे, लाइक नुब्रा वैली भी प्लान कर रहे हैं, आगे भी एक दो चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो हम करेंगे। तो हमें जाना तो था एक जगह, लेकिन अब जा नहीं रहे बिकॉज अंधेरा हो गया, तो अब यहाँ से सीधे हम लोग निकलेंगे वापस अपने लोकेशन पे, स्कूल पे। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, वीडियो भी अच्छी नहीं बनेगी, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आज के लिए इसी व्लॉग में यहीं पे बाय करेंगे। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लद्दाख में स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। ठीक है, बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप, ऑलवेज ब्लेस्ड, बाय।